हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज के वीडियो में हम बात करने वाले मोस्ट अवेटेड आईपीओ इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ का इंतजार तो पिछले साल से हो रहा था और उम्मीद थी कि मार्च 2020 तक आपको ये आईपीओ देखने को मिल सकता है, लेकिन कोरोना वायरस के कारण यहाँ पे आईपीओ डिले होता हुआ दिखाई दिया। तो फाइनली अब इसका जो आईपीओ है वो 20 से 22 अक्टूबर के बीच आने वाला है। तो सारी डिटेल्स, ग्रे मार्केट के प्राइस और खासकर क्या 35 रुपये में ये बड़ा धमाका कर सकता है, इसके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन समझेंगे सबसे पहले बैंक किस तरीके के कामकाज में है, किस तरीके की इसकी डिटेल्स है और सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं बैंक के बारे में। तो दोस्तों, ये बैंक इनकॉर्पोरेट हुआ था 1993 में। ये मद्रास बेस्ड बैंक है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर 2019 के फिस्कल के अनुसार हम माने तो लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है इंडिया का बैंकिंग आउटलेट्स के हिसाब से, और अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट एयूएम और डिपॉजिट के हिसाब से देखें तो देश का दूसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कंपनी जो है अच्छे खासे लोन जो है पोर्टफोलियो यहाँ प्रोवाइड करती हुई दिखाई देती है। हाउसिंग फाइनेंस, व्हीकल लोन, एमएससी लोन, साथ ही साथ यहाँ पे बहुत से ऐसे प्रोडक्ट है जो कस्टमर के इनकम प्रोफाइल और साथ ही साथ उसकी सिक्योरिटी स्क्रूटनी अवेलेबल जितनी भी होती है उसके हिसाब से यहाँ पे देता है। उनके बिजनेस ऑफ नेचर जो है वो देखता है, वो सारे के हिसाब से यहाँ पे अच्छी खासी चीजें जो है वो प्रोवाइड करता हुआ दिखाई देता है। 30 सितंबर 2019 के हिसाब से अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो आपको इस बैंक का देखने को मिलेगा। 853 बैंकिंग आउटलेट्स और 322 ATM पूरे इंडिया में 15 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को मिला के इसका प्रेजेंस देखने को मिलता है। तो एक अच्छा खासा जो प्रेजेंस है बैंक का पूरे देश के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। वही अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की, कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है और इसका खास कर जो फोकस होता है वो अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड सेगमेंट में ज़्यादातर देखने को मिलता है। वहीं वेल डाइवर्सिफाइड इसका जो पोर्टफोलियो, एसेट पोर्टफोलियो है स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में, वो यहाँ पे इसकी अच्छी खासी स्ट्रेंथ के रूप में दर्शाती है। वहीं अगर हम बात करते हैं रिटेल सेगमेंट में तो स्ट्रॉन्ग रिटेल लाइबिलिटी पोर्टफोलियो और क्रेडिट असेसमेंट प्रोसीजर्स भी यहाँ पे इसके अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। तो एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ के रूप में यहाँ पे आपको इसको देखने को मिल सकता है। वहीं फाइनेंशियल्स की भी अगर हम बात करते हैं कंपनी की, तो फाइनेंशियल आपको बाकी बैंकों की तुलना में अच्छी खासी देखने को मिलेगी। हर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आप देखेंगे 2017 के फाइनेंशियल ईयर की रेवेन्यू जो थी वो 1212 करोड़ थी, जो कि 2018 में बढ़ के लगभग 1772 करोड़ हो गई। 2019 में ये बढ़ के FY19 में ये बढ़ के लगभग 2394 करोड़ और क्वार्टर वन के FY20 में ये डेटा जो था 1365 करोड़। तो अच्छी खासी जो बढ़त है इस क्वार्टर में भी आपको देखने को मिली प्रेजेंस के हिसाब से। वहीं अगर नेट इनकम की बात करें तो 104 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो आपको FY17 में देखने को मिला, 31 करोड़ का प्रॉफिट जो FY18 में था। तो यहाँ पे थोड़ी गिरावट डेफिनेटली देखने को मिली, लेकिन FY19 में ये आंकड़ा बढ़ के सीधा 210 करोड़ होता हुआ दिखाई दिया, तो एक अच्छा खासा जंप था। और Q1 के FY20 में अगर हम बात करते हैं तो ये आंकड़ा जो था 106 करोड़ होता हुआ दिखाई दिया, तो जबरदस्त तरीके से यहाँ पे ग्रोथ बढ़ती दिखाई दी। वहीं नेट मार्जिन भी आप देखेंगे तो 1.8% था FY18 में, तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली FY18 थोड़ा अच्छा नहीं था इनके लिए, लेकिन FY19 में फिर से 8.8% 7.8% जो था वो आपका Q1 FY20 में। तो फाइनेंशियल में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आती, अच्छा खासा बिजनेस मॉडल है, तो यहाँ पे इसकी जो ग्रोथ है वो भी अच्छी खासी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो अब अगर हम आगे बात करते हैं कंपनी के IPO डिटेल्स के बारे में, किस तरीके की डिटेल्स है। IPO जो ओपन होगा 20 से 22 अक्टूबर के बीच आपका IPO ओपन होता हुआ दिखाई देगा। IPO साइज जो है वो घटके 280 करोड़ के अप्रॉक्स होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि पहले कहीं ना कहीं 550 करोड़ के आसपास की उम्मीद मानी जा रही थी। तो यहाँ पे ये रिवाइज होता हुआ 280 करोड़ का IPO, 10 रुपये की फेस वैल्यू पे यहाँ पे जो है शेयर आते हुए दिखाई देंगे। प्राइस बैंड जो रखा गया 34 से 35 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। लिस्टिंग जो होगी वो BSE NSE दोनों पे देखने को मिलेगी। रिटेल का जो हिस्सा होगा ऑलमोस्ट 35% का होगा। इक्विटी शेयर्स की जो संख्या होगी जो यहाँ पे बेची जाएगी OFS के जरिए वो 7,20,00,000 शेयरों की होती हुई दिखाई देगी। वहीं पे अगर हम बात करते हैं आगे इसके लिस्टिंग डेट्स और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, तो मिनिमम 428 शेयरों का इसका एक लॉट होगा जिसके लिए आप बिड कर सकते हैं और मैक्सिमम 5,564 शेयरों के लिए आप बिडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसका टिकट साइज है वो छोटा है, तो आपको यहाँ पे लॉट साइज जो है वो आपको बड़े देखने को डेफिनेटली मिलते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो इसकी मिनिमम अमाउंट है जो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं यहाँ पे 14,980 रुपये, और मैक्सिमम जो आप इन्वेस्टमेंट यहाँ कर सकते हैं रिटेल कैटेगरी में वो है 1,94,740 रुपये का 35 रुपीज़ के अपर प्राइस बैंड में। वहीं अगर IPO अलॉटमेंट
स्टेटस और लिस्टिंग की अगर हम बात करें तो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट का जो नंबर है वो आपको यहाँ डेट देखने को मिलेगी 27 अक्टूबर 2020 को। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलना तो रिफंड आएगा ऑलमोस्ट 28 अक्टूबर के दिन। क्रेडिट होंगे आपके शेयर अलॉटमेंट मिलने के बाद 29 अक्टूबर 2020 को, और लिस्टिंग जो होती हुई दिखाई देगी 30 अक्टूबर 2020 के दिन। तो ये दोस्तों कुछ लिस्टिंग डेट्स और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। लेकिन अगर हम बात करते ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो जैसे ही आईपीओ के अनाउंसमेंट होते हुए दिखाई दिए ग्रे मार्केट में हलचल हो गई चालू। आपको देखने को मिलेगा 8 से 10 रुपए की प्रीमियम थे कुछ दिनों पहले, और जो लेटेस्ट प्रीमियम अभी चल रही है वो लगभग 12 से 15 रुपए की है। हालांकि अभी आईपीओ आने में लगभग 8-10 दिन का और समय बचा हुआ है, तो ये प्रीमियम में आपको डेफिनेटली ऊपर नीचे होता हुआ दिख सकता है। मार्केट की कंडीशन उस समय कैसी रहेगी वो भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा पास्ट में यूटीआई एमसी एंजल ब्रोकिंग के आईपीओ में कि प्रीमियम पे शुरुआत तो होती हुई दिखाई देती है, लेकिन डेफिनेटली जब आईपीओ आता है रिस्पांस किस तरीके का उसको मिलता है ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और आईपीओ कितना सब्सक्राइब होता है, उसमें कितना इन्वेस्टर्स का रुझान है, कितना उनका इंटरेस्ट है, उन सारी चीजों के दम पे फिर प्रीमियम आगे वेरी होती हुई दिखाई देती है। तो अगर यहां पे अच्छा खासा रुझान आता है इन्वेस्टर्स की तरफ से, जो कि उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से पहले भी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और सीएसबी बैंक का भी आईपीओ आया था, उसको भी एक अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन मिलता और दिखा था, तो डेफिनेटली यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में इसको भी एक अच्छा खासा रिस्पांस मिलने की उम्मीद है। हालांकि अभी बैंकिंग सेक्टर में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसका अब किस तरीके का असर होगा ये देखना होगा। लेकिन डेफिनेटली आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम पे अभी लगातार भरोसा नहीं करना चाहिए, आपको इंतजार करना चाहिए आईपीओ आने का। जब आईपीओ आ जाए उस समय आप देखें एक दिन कम से कम पहले दिन किस तरीके का सब्सक्रिप्शन आ रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम किस तरीके से इंडिकेट करें, उसके बाद आप आईपीओ में पैसे लगाएं तो डेफिनेटली आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। हालांकि यहाँ पे जो आईपीओ का इशू साइज है बहुत छोटा है, तो यहाँ पे एक एक लॉट मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ तो ये तो प्रॉब्लम है ही नहीं कि आपको पूरे 2 लाख के लॉट मिल जाएंगे, लेकिन हाँ डेफिनेटली ये है कि 1 लॉट 2 लॉट मिल जाता है तो आप उतनी प्रीमियम सकते हैं जितना आप लॉस के लिए तैयार हो। ज्यादा इतना बड़ा भी इतना डाउन मूव तो ओपन होगा नहीं कभी भी यहां पे, इस चीज की भी आपको समझनी चाहिए। लेकिन लेटेस्ट प्रीमियम अगर हम बात करते हैं तो 25 से 30% की प्रीमियम अभी करंट प्राइस जो है 35 रुपीज का, उसके ऊपर अगर आप देखते हैं तो लगभग चलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आगे अगर हम बात करते हैं इसमें किस तरीके का रिविजन होता हुआ दिखाई दिया था आईपीओ में, तो सबसे पहले यहाँ पे जो न्यूज निकल के आई थी 550 करोड़ का जो आईपीओ था इसका, उसकी साइज घटा के 280 करोड़ रुपए जो थी वो करते हुए दिखाई दिए थे। ओएफएस के जो शेयर का साइज था वो 8 करोड़ शेयरों से घटा करके 7.2 करोड़ शेयर होता हुआ दिखाई दिया था। इक्विटास होल्डिंग लिमिटेड जो इसकी पेरेंट कंपनी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की, इन्होंने यहाँ पे सेबी की तरफ से इनको रिलैक्सेशन थोड़ी मिलती हुई दिखाई दी, जैसा कि इन्होंने स्टॉक एक्सचेंजेस को फाइलिंग में बताया कि किस तरीके से यहाँ पे जो आईपीओ का जो साइज है उसको इन्होंने रिवाइज किया फिर से। और खासकर जिसमें रिवीजन देखने को मिला वो था ईएचएल शेयर होल्डर्स के रिजर्वेशन पोर्शन के लिए, जिसकी संख्या जो है मतलब जिसका जो पोर्शन साइज है वो 100 करोड़ से घटा के 51 करोड़ रुपए कर दिया गया। वही एम्प्लॉय रिजर्वेशन का जो पोर्शन था वो 5 करोड़ से घटा के यहाँ पे सिर्फ 1 करोड़ कर दिया गया है। तो यहाँ पे शेयरों की संख्या भी थोड़ी घटाई गई है, तो ये चीज यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली होगी। जिस तरीके से इन्होंने अपना ऑपरेशन चालू किया था वो था 5 सितंबर 2016 का, और जिस तरीके की आरबीआई की गाइडलाइंस होती है कि कोई भी जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसको 3 साल के अंदर लिस्ट होना रहता है, तो उस हिसाब से इनको 4 सितंबर 2019 तक इनको यहां पे लिस्ट होना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और 3 साल के अंदर क्योंकि इन्होंने 500 करोड़ का नेटवर्थ वाला जो मार्क है उसको यहाँ पे क्रॉस कर लिया था, तो उनको फिर स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना जरूरी होता है। तो अब यहाँ पे इनकी लिस्टिंग आपको डेफिनेटली जल्द से जल्द देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।